हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रेकरिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले रेकरिंग के थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद कुल मिला के 12 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग रेकरिंग के थ्योरी को देखते हैं। रेकरिंग होता क्या है? तो दशमलव के बाद यदि कोई संख्या बार बार लगातार आए तो वही रेकरिंग वाला सवाल कहलाता है। का सबसे पहले हमने आपको पहचान बताया कि अगर दशमलव के बाद कोई एक ही संख्या, अंक नहीं बोल रहे हम, संख्या बोल रहे हैं, बार बार लगातार आए तो वह रेकरिंग का सवाल कहलाता है। जैसे 0.777 .. इनफाइनाइट, अगर यह अनंत बार आए, बार बार आए तो यह रेकरिंग वाला सवाल कहलाएगा। अब इसे देखिए, सॉल्व करने का तरीका क्या है। यह कंप्लीट एक क्वेश्चन हो गया, सवाल ऐसे मिलेगा कि इसको भिन्न में बदलिए। तो क्वेश्चन तो यह हमारा रेकरिंग का है क्योंकि दशमलव के बाद 7 बार बार लगातार आया है। सोल्व करने का तरीका यह होगा कि 0 है तो 0 लिखेंगे, पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे, और इसके अलावा जो संख्या बार बार आया होगा ना, उसको सिर्फ एक बार लिखना है। तो देखिए इसमें बार बार कौन आ रहा है, 7 बार बार आया है, तो 7 को सिर्फ एक बार लिखना है और इसके ऊपर यह सिम्बॉल लगाना है, यह बार का चिन्ह है। ठीक है, जो संख्या बार बार आएगा उसके ऊपर बार का सिम्बॉल आपको लगा देना है, रेकरिंग का सिम्बॉल लगा देना है। अब जिसके पास भी रेकरिंग का कॉन्सेप्ट होगा वह इस सिंबल को देख के समझ जाएगा कि 7 के ऊपर यह सिंबल लगा हुआ है। इसका यह मतलब है कि यहाँ पे 7 बार बार लगातार आया होगा, यही कारण है कि इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने का देखिए, सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है कि रेकरिंग के सवाल में पॉइंट के पहले 0 रहेगा तो 0.0 से कोई मतलब नहीं, और अगर एक संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा तो बट्टा में 1.9 लिखेंगे, तो 7/9। ठीक है, एक संख्या के ऊपर से रेकरिंग हटाना है ना, तो बट्टा में 1.9 लिखिए। अगर दो संख्या के ऊपर से रेकरिंग हटाना होता तो बट्टा में 2.9 लिखते। तीन संख्या के ऊपर से रेकरिंग हटाना होता तो बट्टा में 3.9 लिखेंगे। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/9। आप 7 में 9 से भाग करके देख लीजिए, आपको 0.7 जो है वह रिपीट करता हुआ नजर आएगा। भाग करके जरूर चेक करिएगा। आगे चलिए, दूसरा है 0.6767 .. इनफाइनाइट। अब आप इसको देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप बोलोगे कि सर इसका वैल्यू 67/99 होगा। क्यों होगा? देखिए क्वेश्चन तो आपका रेकरिंग का है क्योंकि यहाँ रिपीट कर रहा है 67/67/67। तो सबसे पहले 0 लिखिए, पॉइंट है तो पॉइंट लिखिए, जो संख्या बार बार आया है उसको एक बार, 67 बार बार आया है यहाँ पे तो 67 को एक बार, और इसके ऊपर यह रेकरिंग का सिंबल लगाइए। ठीक है, पहला ड्यूटी तो हमारा हो गया। अब आगे, अब इसको सोल्व करना है। तो रेकरिंग के सवाल में अगर पॉइंट के पहले 0 रहे तो 0.0 से कोई मतलब नहीं। अगर पॉइंट से पहले कोई संख्या होता तो उस संख्या को लिखते पॉइंट के जगह प्लस लिखेंगे। ठीक है, जब आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन पॉइंट के पहले 0 रहेगा तो 0.0 से कोई मतलब नहीं है। दो संख्या यहाँ पे 67 है ना, दो अंक है, तो दो अंक के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो बट्टा में 2.9 लिखेंगे हम। अगर एक अंक के ऊपर से हटाना होगा तो बट्टा में 1.9, अगर दो अंक के ऊपर से हटाना होगा तो बट्टा में 2.9 लिखेंगे। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया यह आपका। अब चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, 0.377 इनफाइनाइट। अब इसका वैल्यू हमें बताना है। अब गौर से देखते रहिएगा इसको, इस क्वेश्चन में देखिए 0 है तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 3 देखिए कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार, तो 3 को एक बार लिखिए, लेकिन इसमें जो बार बार आया है उसको भी हम एक बार लिखेंगे। तो 7 देखिए बार बार आ रहा है, इसमें 3 रिपीट नहीं कर रहा है, केवल 7 रिपीट कर रहा है, तो केवल 7 को हम एक बार लिखेंगे, और यह जो सिंबल है बार का सिंबल वह केवल 7 के ऊपर होगा। गौर से देखिए, 3 तो सिर्फ एक बार आया है तो एक बार हम लिख दिए, लेकिन यहाँ पे बार बार कौन आ रहा है, तो 7 बार बार आया है तो 7 को हम एक बार लिखेंगे, और चूंकि 7 बार बार आया है इसलिए सिर्फ 7 के ऊपर रेकरिंग होगा। तो इस बार रेकरिंग का सिंबल सिर्फ 7 के ऊपर, 3 इसके साथ है तो 3 एक बार ही आया है तो एक बार तो लिख ही दिए हैं, यहाँ पे रेकरिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि 7 बार बार आ रहा है इसलिए 7 के ऊपर हम रेकरिंग लगाएंगे। अब रेकरिंग के सवाल में देखिए, यह स्पेशल केस है, समझिएगा, कुछ के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर रेकरिंग ना हो। यहाँ मामला क्या है, एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है और एक के ऊपर नहीं है। अगर दोनों के ऊपर होता तो बट्टा में 99 लिख देते रेकरिंग हटाने के लिए, लेकिन एक के ऊपर है एक के ऊपर ना है, तो क्या करेंगे हम, तो पूरा को संख्या मानेंगे, तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 37। पूरा को संख्या मानिए तो 37।
अब इसमें से उस संख्या को आप घटा लीजिए जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग देखिए किसके ऊपर नहीं है, तीन के ऊपर नहीं है, तो इसमें से तीन माइनस कर लीजिए। पुनः समझिएगा क्या किए हैं हम एक बार फिर से, ज़्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। रेकरिंग के क्वेश्चन में अगर कुछ के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर रेकरिंग ना हो, उस केस में पूरा को संख्या मानेंगे और उसमें से उसको हटा लेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा। तो संख्या हम 37 को माने, इसमें से हम किसको माइनस करेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो तीन के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो तीन को हटा लीजिए। अब बट्टा में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग उतना नौ, तो एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो बट्टा में एक नौ, और एक संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो बट्टा में एक जीरो। जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा बट्टा में उतना नौ, यहाँ सिर्फ एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो एक नौ, और जितने के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना जीरो, तो एक के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो एक जीरो डालेंगे। अब 37 में से तीन माइनस करिएगा तो यह हो जाएगा आपका 34। अब 34 बट्टा 90 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कटने वाला है तो काट लीजिए, दो से काटिएगा तो 17 बट्टा 45 आंसर होगा, है ना, वह तो काटने का मोल है। तो फाइनल हमारा आंसर यही होगा। क्या करना है रेकरिंग के सवाल में, अगर कुछ के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर ना हो, पूरा को संख्या मानेंगे, उसमें से उसको माइनस कर लेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग ना हो, बट्टा में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा उतना 9, और जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना हमें जीरो डालना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके से रहे 0.3473 ऐसे, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा को संख्या मानेंगे, तो 3473। अब इसमें से किसको माइनस करेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 34 को माइनस करेंगे क्योंकि 34 के ऊपर रेकरिंग नहीं है। पूरा को संख्या माने, यहाँ मामला क्या है, कुछ के ऊपर रेकरिंग है कुछ के ऊपर नहीं है, तो पूरा को संख्या माने, इसमें से उसको माइनस करेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा। बट्टा में देखिए दो संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9 होगा, और दो के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 2 0 हो जाएगा। बस इसी को घटाइए, बट्टा में 9900, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए कि दशमलव से पहले कोई संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, तो क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन को देख के हम लोग कर लेंगे आंसर। बारी बारी से देखिए, अब एक एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से भी सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आरआरबी एसी में पूछा गया है, हमें इसका वैल्यू बताना है कि किस साधारण भिन्न के बराबर, यानी इसको भिन्न में बदलना है। तो आप इसके लिए देखो क्या लिखोगे, 0.4 एक बार आया तो 4 एक बार लिखेंगे, बार बार देखिए इसमें कौन आ रहा है 7, तो 7 को भी एक बार लिखेंगे, लेकिन 7 के ऊपर रेकरिंग होगा। ध्यान रहे रेकरिंग किसके ऊपर डालेंगे, जो बार बार आएगा, तो यहाँ पे 4 तो सिर्फ एक बार आया है तो 4 को एक बार लिखेंगे, बार बार 7 आया है तो 7 के ऊपर रेकरिंग होगा, जो रिपीट करेगा रेकरिंग तो उसके ऊपर डालेंगे। अब यहाँ से देखिए इसको सोल्व करने का क्या तरीका होगा, मामला क्या है यहाँ पे कि कुछ के ऊपर रेकरिंग है कुछ के ऊपर ना है, तो पूरा को संख्या मानिए तो संख्या हो जाएगा 47, इसमें से उसको माइनस करिए जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो माइनस कितना करेंगे 4, 4 के ऊपर नहीं है। बट्टा में एक संख्या के ऊपर रेकरिंग तो 1 9, एक के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 1 0। बट्टा में क्या लिखना है, जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा उतना 9, और जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0। ठीक है, तो एक के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9, एक के ऊपर नहीं है तो 1 0। 47 में से 4 माइनस करिए 43, 43 बट्टा 90 आपका आंसर हो गया इस पहले क्वेश्चन का, 43 बट्टा 90 जो देख के आप कर सकते थे। 47 में से 4 माइनस करेंगे 43 बट्टा 90 बिल्कुल देख के आप आंसर निकाल पाओगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, यहाँ देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें पॉइंट के पहले कोई संख्या है, तो पॉइंट के पहले अगर कोई संख्या होगा तो पॉइंट के जगह बस आपको दे देना है प्लस। ठीक है, यही अतिरिक्त काम करना है, पॉइंट से पहले अगर कोई संख्या हो तो पॉइंट के जगह क्या देना है प्लस, बाकी कुछ नहीं करना है। आगे 3 6 के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो क्या लिखेंगे हम, 36 बट्टा, दोनों के ऊपर रेकरिंग है ना, तो 36 बट्टा कितना 99। यह तो अलग पॉइंट है, यह तो अलग पार्ट है, एक प्लस है ना, रेकरिंग का जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो पॉइंट के बाद वाले संख्या पे लागू होता है, तो एक पॉइंट के जगह प्लस, 36 के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो 36 बट्टा 99। आप इसको तोड़िए, पूर्णांक काटिए इसको, 9 से काटिएगा 9 चौके 36, 9 से काटिएगा तो 11 9 99। अब भिन्न का जोड़ करिए, 1 प्लस 4 बट्टा 11, तो 11 1 कम 11 और 4 15, 15 बट्टा 11 आपका आंसर हो जाएगा इस अगले क्वेश्चन का, 15 बट्टा 11 यानी कि विकल्प ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 1.3 के ऊपर रेकरिंग है, तो 1 दशमलव के जगह क्या लिखोगे आप, प्लस। रेकरिंग के सवाल में पॉइंट के पहले अगर कोई संख्या रहे तो पॉइंट के जगह प्लस, और 3 के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो 3 बट्टा 9, एक संख्या के ऊपर से रेकरिंग हटाने तो बट्टा में 1 9 लिखेंगे।
सोल्व करिए, तीन से काटिए, तीन तिया नौ, ऊपर में कुछ नहीं तो एक बचा, भिन्न का जोड़ करिए, तीन एकम तीन और एक चार, चार बट्टा तीन आपका आंसर हो जाएगा। जो रेकरिंग का कॉन्सेप्ट था वह तो बस इतना ही था, बाकी तो इसका कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे है 1.2 के ऊपर रेकरिंग, आइए सोल्व करते हैं। एक दशमलव के स्थान पर प्लस, दशमलव के पहले कोई संख्या के स्थान पर प्लस, और दो के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो 2/9, यह पहले पार्ट में है। ठीक है, इनटू यहाँ पे आप देखो 0.3 के ऊपर से रेकरिंग हटाना है, 0.3 दो संख्या हो गया ना, तो बट्टा में 2.9 लिखेंगे। यहाँ देखिए दो संख्या के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो बट्टा में 2.9 होगा। अब आगे सोल्व इसको कर लीजिए, 9 और 2 11, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 9 और 2 11 11 बट्टा कितना होगा 9, और गुना 0.3 यानी कि 3 3/99 हो गया। काटिए 11 तिया 33 33 तिया 99, क्या बचा 1/27। अब 1/27 का मान हमें निकालना होगा, मान इसलिए निकालना होगा चूंकि आंसर रेकरिंग के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो एक में आप 27 से भाग करिए, एक में कितना से भाग करोगे आप 27 से भाग करोगे, एक में 27, 1/27 का मतलब एक में 27 से भाग करना है, तो एक में 27 से भाग लगेगा नहीं, दशमलव डालिए यहाँ पे तो 10 दशमलव डालेंगे तो हर स्टेप में 10 ले सकते हैं, लेकिन 10 डालने के बाद भी 27 से भाग नहीं लगेगा, तो पुनः यहाँ पे 10 डालिए, यहाँ 10 और बढ़ जाएगा, 27 तिया हो गया आपका 81, शेष कितना बचा 19, 190, 27 सते 189, ठीक है 189, शेष कितना बच गया आपका, शेष बच गया पुनः 1। ठीक है, अब देखिए 1 से शुरू किए थे, पुनः 1 आ गया, इसका क्या मतलब है कि पुनः यहाँ पे हम क्या डालेंगे 0, यहाँ भी 0 डालेंगे, यही चीज रिपीट होगा, 1 से शुरू किए थे फिर 1 आया, मतलब भागफल यही रिपीट करेगा, तो यही भागफल आपका रिपीट करने लगेगा, मतलब 0.037 इसके ऊपर रेकरिंग यही हमारा रिपीट करेगा। आगे भी आप भाग करिए ना, 1 से शुरू किए थे 1 आया तो फिर यही चीज भागफल में मिलेगा ना, तो भागफल में यही चीज मिलेगा मतलब यही रिपीट करेगा, तो इसके ऊपर हम डाल दिए रेकरिंग, यानी आंसर हो गया हमारा विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, 63/99 होगा ना जी, 63 कितना हो जाएगा यह 99, इसका वैल्यू बताइए यह 37/99 होगा, और इस अगले का वैल्यू देख लीजिए क्या होगा, यह 80/99 होगा। ठीक है, रिकरिंग अगर हटाएंगे तो बट्टा में तो 99 ही होगा, सब जोड़िए 63, 37, 100 और 80 180, 180/99 को हमें रिकरिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप देखिए भाग करिए जरा सा, पूर्णांक के रूप में लिखिए, 99 का पहाड़ा कितना बार आप पढ़ सकते हैं, 1 बार, 99 एकम 99, अब शेष क्या बचा तो यहाँ पे 81 तो बचा ना, 99 एकम 99 में 81, 1 जोड़िएगा तो 80, फिर 80 जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा, तो 1.81/99 तो हम इसको लिख सकते हैं 1.81/99 है ना, तो 81 के ऊपर रेकरिंग, पूर्णांक है तो उसको अलग लिखिए ना, यहाँ प्लस होगा दशमलव लिख लीजिए, 81/99 यानी 81 के ऊपर रेकरिंग। तो एक तो मेथड यह हो गया, दूसरा तरीका देखिए क्या है, 0.63, अब 63 के ऊपर रेकरिंग है मतलब 63 कितना बार आया होगा, 63 तो बार बार आया होगा, तो हम 3 बार लिख के डॉट डॉट दे दिए, इसमें जोड़ना है 0.37, तो 0.37 3 बार लिखिए, 3 कहने का मतलब बार बार आया होगा, तो 3 बार लिख के हम डॉट डॉट दे दिए, उसके बाद 0.80 यह कितना बार आया होगा, यह भी बार बार आया है, ठीक है अनंत बार आया है, तो इसको हम सिर्फ 3 बार लिखे उसके बाद डॉट डॉट दे दिए। अब इन सबों को जोड़ना है, अरे इसका इसका मतलब तो यही है ना कि 6-3 6-3 बार बार आया होगा, इसका मतलब तो यही है कि 3-7 बार बार आया होगा, और इसका मतलब क्या है कि 8-0 बार बार आया होगा। अब सबको जोड़िए, 7-3 10 0 हासिल 1, 6-3 9 8 17 1 18 8 हासिल 1, 7-3 10 1 11 1 हासिल 1, 6-3 9 8 17 1 18 1 हासिल 1, 7-3 10 1 11 1 हासिल 1, 6-3 9 8 17 1 18 1 हासिल 1, फाइनली यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। अब इसका मतलब देख लीजिए क्या है, इसका मतलब यह है कि 1.81, ठीक है 1.81, पुनः आगे 81, और उधर से अगर जोड़ते आते तो उसमें भी इसमें भी हासिल होता, यह भी 81 हो जाता, मतलब रिपीट कौन कर रहा है इसमें 81, तो 81 के ऊपर रेकरिंग डाल लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। यह अगला क्वेश्चन है, हमें इसका योगफल निकालना है, चलिए आइए हम इसको देखते हैं जोड़ के। सबसे पहले क्या है,
3.36 बार बार आया है, बार बार कौन आया है, 3.6 ही आया है ना, तीन बार लिख के हम डॉट डॉट दे दिए। अच्छा ये माइनस है, माइनस वाला को बाद में लिखेंगे, पहले प्लस वाला। तो 1.33, अब 3-3 के ऊपर एक रिंग है, मतलब यह तो बार बार आया होगा, है ना, इतना बार हम लिख के डॉट डॉट दे दिए। उसके बाद 2.05 के ऊपर एक रिंग है, मतलब 05 05 05, तीन बार लिख के हम डॉट डॉट दे दिए। ठीक है, चलिए इन सब का क्रिया कर लीजिए। इस दोनों को प्लस करना है, नीचे वाले को माइनस, प्लस प्लस नीचे वाले को माइनस, प्लस वाला को एक साथ, माइनस वाला को एक साथ। चलिए ऊपर का दो को जोड़ना है, नीचे घटा लेना है। 6 3 9 9 में से 5 माइनस करिएगा 4, 3 और 3 6 6 में से 0 माइनस करिएगा 6, 6 3 9 में से 5 माइनस करिएगा 4, 3 3 6 में से 0 माइनस करिएगा 6, 6 3 9 में से 5 माइनस करिएगा 4, 3 3 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा, इंटू 3 और 1 4 4 में से 2 माइनस करिएगा 2। देख लीजिए, और आगे यह डॉट डॉट भी तो होगा, तो 2.64, देखो रिपीट तो यही कर रहा है ना, 6 4 6 4, तो 6 4 के ऊपर बस रेकरिंग डाल दीजिए, यही आंसर, यानी आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक्सपेंड करने के बाद जो है, जो भी इसका कैलकुलेशन है, प्लस है तो प्लस करिए, माइनस है तो माइनस करिए, और अपना आंसर निकाल सकते हैं। लीजिए पुनः वही क्वेश्चन है, देख लीजिए, हमें जोड़ का क्रिया करना है। तो 8.33 तो एक बार ही आया है, रिकरिंग एक के ऊपर है, तो एक को लिख दीजिए आप बार बार, जितना बार मन करे। उसके बाद 0.6, तो 0.66 के ऊपर रिकरिंग है, बार बार लिख लीजिए इसको भी आप। उसके बाद 0.002, एक और जीरो, उसके बाद टू, उसके बाद टू, यही तो रिपीट करेगा ना, 0 0, और दो के ऊपर रिकरिंग है तो दो बार बार आएगा। सबको जोड़ना है, जोड़िए, 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, 6 और 1 7, 6 3 9.8। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, 8.97, और इसके बाद 9 9, बार बार आना शुरू हो गया, तो 9 के ऊपर एक रिंग। आगे भी क्या लिखेगा, 1 6 2 1 6 2, ये लिखेगा, तो रिपीट कौन करेगा, 9 ही तो रिपीट करेगा, तो 9 के ऊपर एक रिंग डाल दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो 8.97, 9 के ऊपर एक रिंग, यही हमारा आंसर, यानी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका विकल्प डी। आगे बढ़िए, उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं, सिमिलरली 0.3 क्या है आपका, 3 4, ठीक है, 3 4 है, और 6 7 बार बार आया है, 6 7 6 7 बार बार आया है, हम तीन बार लिख के डॉट डॉट दे दिए। इसमें ऐड क्या करना है, 0.13, और उसके बाद 3 3 3 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जो रिपीट करेगा उसको बार बार लिखिएगा, 1 3 तो एक बार आया तो एक बार लिखिए, बाकी 3 रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर एक रिंग। जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, 7 3 10, 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10, 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 हासिल 1, 6 3 9 1 10, 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 1, 6 3 9 10, 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 4.0। अब 0.48 आगे, 0 1 0 1, यही तो रिपीट करेगा, तो 0 1 के ऊपर एक रिंग। देखो 0 1 0 1 आगे से जोड़ते आते तो यह भी 1 होता, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.4801। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 है। आप इसको देख के बताइए कि क्या वैल्यू होगा इसका, है ना, 4 बार बार आया है, तो क्या इसके लिए हम 4/9 लिख सकते हैं, अरे इसके लिए 0.4 के ऊपर एक रिंग, यही लिखेंगे ना, तो 4/9 हो जाएगा, इंटू इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं। ठीक है, 3/9 काट लीजिए इसको, 3 से काटेंगे, 3 3 9, यानी कि 4/27, यही आपका आंसर हो जाएगा, 4/27, भिन्न के रूप में ही हमें इसको कन्वर्ट करना था, 4/9 3/9, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 4/27, यही आपका आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें वर्गमूल करना है, 0.4 के ऊपर एक रिंग है, इसका वर्गमूल, वास्तव में यह क्या है, वास्तव में यह 4/9 है, भिन्न में बदलोगे तो 4/9 ही आएगा ना, एक संख्या के ऊपर है। अब 4/9 का वर्गमूल बताना है, बता दो 4/9 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल बताइए क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3, यानी 2/3। 0.4 के ऊपर एक रिंग, मतलब इसका मतलब 4/9, और 4/9 का वर्गमूल, यानी 2/3,